स्टॉल बना के बैठे हैं और यहाँ पे मुंगन छिपा रहे हैं। अरे अच्छा सॉरी मैंने कहा हां अल्लाह मुंग मुझे वो जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना। योगी बल ने मेरी भी वीडियो बना बल मैं को 100 रुपए की गोल्ड रही है 10 रुपया मेरी को चाह बड़ो बड़ो मेरी भी बना बल हल बटे यहाँ उम्र से पटाखा बेचने शर्म कर थोड़ा पूरा सामान वाला ना। अब इसको ले आने इसको आने से उसको आने में मासी डाल दो अंदर जैसे आपने ले ली इसके बाद उसका बचेगा ना कवर पंगा हो गया इसके लड़ना हो गया तो ऐसे हो ना हमारी मजाक उड़ाने साले वहां बटे खुश है बैठा नहीं ये नवराज बैरियो तेल में गुड मॉर्निंग यार दोस्तों नए दिन की नई सुबह की नई शुरुआत के दिन ब्लॉग के साथ पहाड़ों में खिल चुके शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद धूप सर्दियों का मौसम आ चुका है। बाकी इस बीच फेस्टिव सीजन है और उसी क्रम में आज मैं जा रहा हूँ पिथौरागढ़ क्योंकि पिथौरागढ़ पे हमारी एक शॉप जो कि देव सिंह मैदान पर लगी हुई है पंकज जोशी जी जो कि इस दुकान के मेयर शेयरिंग होल्डर हैं जिन्होंने दुकान को रूप दिया। उसके साथ गोपू खोलिया जी मोहनी से ब्लॉगर हैं आप और हमारे ही साथी गौरव चंद पंत जो कि गंगोली आर्ट पे अपना बिजनेस संभालते हैं सोशल वर्कर हैं। तो हम सभी लोग मिलकर पिथौरागढ़ पे हमने एक पटाखे की दुकान खोली हुई। बाकी दूसरी पटाखे की दुकान राज मेहता भाई जो कि थल पे नव राज करके दुकान है नव राज मेहता तो वो दुकान हमने थल पे खोली हुई है। तो अभी हम जाएंगे पिथौरागढ़ के बाद थल वाली दुकान की जिम्मेदारी राज देंगे। बाकी थल पे एक ओपनिंग होनी है हमारे भिंजू यानी कि जीजाजी का होटल खुला हुआ है रेस्टोरेंट का आज उद्घाटन है तो वहाँ भी चीज़ें जाते हैं चीज़ें दिखाते हैं करते हैं और पूरे दिन भर में जो कुछ भी आपको चीजें दिखाएंगे तब तक बने रहिए। बाय बाय टेक केयर चलो चलते हैं हंसी कर दे आपको हंसी बाय बाय। दोस्तों ये हमारी थलागढ़ की प्रॉपर्टी तो इस साइड भी यार हमारे ना खेत हैं लेकिन यहाँ खेती नहीं करते हम यहाँ हमने फल लगाए हैं और पेड़ लगाए साथ में और भी चीजें तो माता जी यहाँ से चेकआउट करके जाएंगे भाई तो ध्यान रखना कि लून खनी चीज कॉल करें आप हेलो दोस्तों याद हो जाए कि पिछले ब्लॉग में आपको बताया थल में एक नई जगह स्पॉट होने वाली खुलने वाली है जिसका कुछ ओवरव्यू ऐसा है तो आज यहाँ पे थल के बाजार में खुल चुका है अलंकार स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट जस्ट थाने के गेट के राइट हैंड पे ये थल की स्टेशन रोड है। आंटी जी को बताइए इन्हीं की दुकान खुली हुई है यहाँ पे देख सकते हैं काउंटर इस तरीके से लगा हुआ। बाकी हमारे सुनील नाथ जी जो कि दुकान के ओनर हैं सर बताइए और हमारे भिंजू ये भी दुकान के ओनर हैं आपको भी बताइए मम्मी कहती मिठाई ला देना ठीक है ठीक छोले भटूरे भी अच्छे थे मम्मी की दुकान पे। सर कैसी लगी पकौड़ी कहाँ कल अरे मेरे ब्याह ठड़ी रही थी जान पमतोड़ी अरे हाँ पमतोड़ी फिर ठीक है। दोस्तों यार देखो पमतोड़ी तो यू नो जाता मैं लेकिन मजबूर था नहीं जा पाया कस्टमर से रिव्यू लेते हैं सर ये 100 रुपए की आपने पिया कैसा लगा आपको पैसे आपने देने पी तो दिया है अभी नहीं करी भाई तो यार जो और भी कस्टमर आए कैसा लगा चाको लगी पकौड़ी और लाए तो आप यहाँ के रील भी बना सकते हैं देखो बढ़िया सा ना ऐसे आना नवराज ब्लॉग्स के ना 5% आपको ऑफ भी दे देंगे इस एरिया में रील बना सकते हो और ये वाला एरिया फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो ये देखिए और 1 घंटे बड़े भचकून में ऐसी नहीं ना खा पा रही हो योगी बल ने मेरी भी वीडियो बना बल मेरे को
10 रुपया मेरी को चाह बड़ो बो मेरी बना मेरी भी बना बोलो साल तो गाइस हमारा टैया तो ऐसे फट गया है, अब हम कहीं जा नहीं सकते हैं। मैं कह रहा ना राजू, सवाल एक के ऊपर पहुंचे, टायर फट गया। अब जो तो ही जाए भयंकर, मैं नहीं दे रहा है तो क्या व्यवस्था होगी। फिर अब ससुर जी को कॉल कर दो प्लीज। तो देख सकते हो गाइस, ये पहिया तो हो गया भूस। तो हमारे पास चैनल में किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे फ्री में। प्रमोशन जब होगा जैसे और उसे फीस देते हैं, इनसे भी ली जाएगी। एक टायर ने दिम जाएगी साल, बताओ ना पड़ेगा मंजा को। स्टेप नहीं कैसे लगा रोके किसी को, कैमरा चालू रखना। टायर ढीला कहाँ को रहे, उठा भी है कुछ तो ऐसे हो ना, हमारी मजाक उड़ाने साले वहाँ बटे खुश है। ये नवराज बैरियो तेल में यार घुमा दो यार, कैसे घूमता जे इतना आता, मेरी दुकान नहीं खोलता अपनी। एक घंटे से पता नहीं क्या घुमा रहा है। यार बानू तेरी खाएगा तू। एक टायर उजवा नहीं चाहिए, एक टायर यहाँ भी। क्या कह रहे हो आप? हल बटे यहाँ उम्र से पटाखा भेजे, शर्म कर थोड़ा थोड़ा। घर वाला ने यहाँ बाजार भेज देते हो क्यूँकी ना पढ़ ले लिख ले थोड़ा, मेरे चलो मैं बाजुल भेज देते हूँ, मेरी ना सुबदार बनो लो। यहाँ पटाखा दूसरा का पटाखा भेजने आ रही है यहाँ। तो आप क्या कहना, जो पटाखा भेजते हो गलत लोग हैं? गलत हैं बिल्कुल हैं भाई, बस भेज रहे हो। बगल में अपनी दुकान यहाँ पे लगाई है मेरे, जो तू कॉलेज होता है सब पटाखा बेचना है यार। टैमिल किताब लिखा, किताब इधर पढ़ी हूँ मैं तो, एडवर्टाइज के लिए आया हूँ। कौन है पार्टनर? कुछ चंचल बोरा पहाड़, चंचल बोरा पहाड़ लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के बारे में सजग करते हैं। भाजपा सरकार में तंजी कसते हैं, स्वयं पटाई की दुकान है। मैं तो ऐसे भंडार लगते हैं जिसकी पॉलिटिक्स में पहुंच है तो वो पहले नंबर की दुकान मिलती है। और भी बाजो रह गयो भाई, तो ये सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। देखो ये भाई लोग अभी तक बिल्कुल स्टॉल बना के बैठे हैं और यहाँ पे मुगन छिपा रहे हैं। अरे अच्छा सॉरी, मैंने तो अल्लाह मुख मुझे अभी थप्पड़ खा दी थी यार। कोई और ने मच्छी मार्केट देखी होगी, जलेबी मार्केट है या पटाखा मार्केट देखो। ये टैमिल किताब पढ़ी ना, पटाखा नहीं बेचन। मेरे सारे जूनियर देखो यहाँ, ये कभी खुश रहो पटाखा बेचन मेले लो पड़ोसी। ठीक है ठीक है, तो दिहाड़ी में सर, ये दिहाड़ी में 100 रुपया, 100 रुपये में ही है। चलो पकड़ो, तो यार दोस्तों इन बच्चों का थैंक यू सो मच, सुबह से लगे यहाँ पे पंडाल अंडाल बनाने में करने में, थैंक यू। अब वो खाना भी खिलाएगी हमें, ऐसे लोग कम मिलते हैं यहाँ दुनिया में ना, जो लोग मेरे जैसे तो बहुत कम मिलते हैं। मेरे जैसे ये ऐसे तो एक ही पीस है भाई, ऐसा ये पंगा। आपने ले ली इसके भाई, उसका बच्चे का ना कवर पंगा हो गया, इसके लड़ना हो इसके मार बच्चे 20 के 10। यहाँ गर्म रहते हैं इसमें, किस किस ने खाया बताओ यार, क्या बोलते हैं इसको? नान खटाई। की वो नान खटाई बिस्कुट, नान खटाई बिक्कू बिस्कुट। अच्छा ठीक है। दोस्तों हमारा एक लड़का देखो पगली गया है की बेला, नमस्कार को बाजो रे यो। क्या बात है की पाली, अरे बिन माया को कोई नहु ने। हाय, और देख सकते हो गाड़ी लेने जाते हैं बाकी फील्ड में, गर्म को थल भी निकलने हैं, चलते हैं एक बार गाड़ी वगैरह लेके आते हैं।
सामान वाला ना, अब इसको ले आने, इस कोने से उस कोने में माची डाल दो साले डाल भी देंगे हर माची। दोस्तों हम आए थे पिथौरागढ़ और यहाँ पे हमें हार्दिक भाई मिल चुके हैं जो कि रहते हैं क्विटी डोर साइड और डी डी आठ में पढ़ाई करते हैं। एल अभी कहाँ रहे हो घर? गाड़ी कहें गाँव की? तो हार्दिक भाई है, हार्दिक भाई हाथ पकड़े बदल लेंगे आपको मिलाना है इससे। तो थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर है इन्होंने, हमें देखा था नंदा महोत्सव डी डी आठ में। तो अगर आपने मुझे कहीं देखा तो यहाँ के पिथौरागढ़ से मेरी दुकान से पटाखे लें। थैंक यू, थैंक यू। लाने हम ही, हम नहीं भेज रहे पटाखे, सब भेज रहे हैं, सब ने आई एस पी सी एस की तैयारी करी, घर आ गए पटाखे बेच रहे हैं। तो मैं दर्जन करूँ तो नवरा पटाखे बेच रहा है। तो बस जो हमारे फर्स्ट कस्टमर हैं तो इनको रेट लगा के दूंगा, लगाना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट कस्टमर इनको बेचते हैं, देन उसके बाद लगाते हैं आगे की दुकान। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दुकान खुल चुकी है नवरा ब्लॉक्स यहाँ पे देव सिंह मैदान में, और आप लोग ने आना है, भारी मात्रा में आना है और अधाकरण मिल रहा है, फुल डिस्काउंट मिलेगा, पटाखों की सारी वैरायटी आपको मिलने वाली है। हालांकि एज ए बिजनेस पटाखा फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो मुझे को उम्मीद है यार जितने भी लोग आप लोग आएंगे यहाँ पे, वहाँ का एड्रेस बताएंगे पंकज भाई। अगर आप आरएफसी गोदाम और शिव होटल की तरफ से फील्ड में आते हैं तो फर्स्ट को छोड़ के आपको दूसरी दुकान पे आना है। अगर आप गांधी चौक की साइड से मेन मार्केट की तरफ से आते हैं सीढ़ियों से नीचे, तो आपको सीधे सामने गोदाम से गल्ला गोदाम, वहाँ से आना राइट हैंड लेना, फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे गेट है, फर्स्ट सेकेंड बाकी मार यहाँ पे आना है। इतने चेहरे दिख जाएंगे कैशियर है हमारे पास, बिल मिलाने वाले है, गाड़ी चलाने वाले है, चौमिन लाने वाले है, ये चाय लाते हैं, तो सारे मतलब है। नवराज ब्लॉक्स पटाखों की दुकान, वहाँ पे हमारे लड़के बैठे होंगे और बहुत सारे अन्य भाइयों बहनों की भी दुकान है, वहाँ पे भी विजिट करें। बाकी जो लोग हमें देखेंगे या हमारे पास पहुंचेंगे काफी अच्छे रेट पे हम आपको देंगे। और उसके अलावा जिन्होंने थल से पटाखे लेने, तो थल में भी अपनी अपनी दुकान खुली हुई है जिसको देखेंगे राज मेहता भाई, तो दोनों ही दुकानों का विजिट कर सकते हैं। थल में पटाखों की दुकान जो की है नवराज ब्लॉक सीएससी स्टेशनरी सेंटर के बगल में। क्या देखा है? बिल्डिंग देख रहा हूँ। क्यों? तो यार दोस्तों, ये हमारे मित्र नीरज जोशी की बिल्डिंग है नव निर्मित, तो इसका मेरे को राज बताया कैसे बनाई इसने बिल्डिंग। राज तुम्हें को भी बताया। कैसे? तो मैं ही हूँ ना, जल्दी बताओ अभी कैसे। पैसा नहीं, इसने पहले 12th किया, जॉब में लगा, पास कर लिया था इसने, हाँ, बार के बाद एचएम किया, जॉब लगी, जॉब छोड़ी, बिजनेस किया, ये देखो रिजल्ट। हम अगले इस साल में भी मम्मी